यहाँ पर हमने डाइवर्सिटी के मुतालिक बहुत सारी बातें सीखी हैं, जो ह्यूमन राइट्स है उनकी बेसिक नीड्स के बारे में हमें पता चले, रूल ऑफ लॉ के बारे में पता चले, ताकि ऐसी सिटीजन की जो इक्वलिटी उनकी जो राइट्स हैं। कि यूथ हमारा किरदार माशरे में क्या होना चाहिए और हम किस तरह माशरे को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मैसेज है उलूसी तरुण का और यही मैसेज हम आके जाके इसको कन्वे करेंगे कि आगे जो हमें कॉन्फ्लिक्ट आएंगे वो किस तरह उसको टॉलरेंस बर्दाश्त करेंगे और फिर उसको एक डाइवर्स मूवमेंट में ला के उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, सोशल कोहेजन के बारे में हमें बहुत से कुछ जानने की वो मिली, हम सोशल कोहेजन के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं, एक्सेप्टेंस के बारे में, डाइवर्सिटी कल्चर को एक्सेप्ट करने की, लोगों को रिलीजियस बिलीफ जिनके होते हैं उनको उसी तरह एक्सेप्ट, इन शॉर्ट हमने टॉलरेंस जो है वो सीखी है बहुत। टॉलरेंस के बारे में, सोशल कोहेजन के बारे में, पीस के बारे में, हारमोनी के बारे में हमने सोचा और हमने डाइवर्सिटी के बारे में जाना कि किस तरह हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ कल्चर्स और उनको जानने की कोशिश की है। हम यूथ को कैसे मतलब उनको पीस की तरफ लेके जा सकते हैं, उन मतलब उनको कैसे हम डाइवर्सिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, मतलब उनकी कैसे हम सोशल कोहेसन कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा जो है पीस को हम बिल्ड अप करने में हमारे यूथ का क्या किरदार है, हम क्या कर सकते हैं। वही सोशल इंटरेक्शंस लोगों के साथ, मतलब एक ऐसी इंटरेक्शन लोगों में अवेयरनेस लाए, सोशल कोहेशन में थोड़ी टॉलरेंस बर्दाश्त लानी चाहिए, उसमें बहुत सी फैक्टर्स हैं उसके, सो वील गो फॉर द टॉलरेंस एंड अवेयरनेस मोर ओवर। हम लोगों को ये पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, पीस क्या होता है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, डाइवर्सिटी जो पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट रिलीजन्स के, इनके साथ कैसे रहना चाहिए, हम अपने आप में टॉलरेंस कैसे ला सकते हैं और टॉलरेंस का क्या क्या फ़ायदा है।